Yo no, yo te digo. Bien. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर शाम शरण आयो सफल की दी सेवा रुकी रहने वाले निकल के जाने जाने गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर एक दूसरी बार फिर से गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अब रख दो गणपति बप्पा मोरिया हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज डे है थर्सडे और डेट है 28, गणपति जी का लास्ट डे और गणपति विसर्जन का डे है। तो मैं मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके यहाँ पे उनके भोग के लिए प्रेपरेशन कर रही थी एंड भोग में मैं बना रही थी दही भिंडी और साथ में बनाऊँगी चपाती और मिठाई वगैरह हो जाएगी। एंड मॉर्निंग में मैंने उनको फ्रूट्स का भोग लगा दिया था और लंच में मैं अभी दही भिंडी की सब्जी साथ में चपाती एंड साथ में कोई स्वीट हो जाएगी तो उसका भोग लगा दूंगी। और आज हमें गणपति विसर्जन भी करना है, वो हम शाम को करेंगे क्योंकि हस्बैंड अभी चले गए हैं ऑफिस, तो जब वो आएंगे उसके बाद ही हम गणपति विसर्जन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग फर्स्ट टाइम गणपति जी को घर पर स्थापित कर रहे थे, तो पहले हमारा प्लान था कि हम 5 और 7 डेज़ के लिए ही करेंगे, बट फिर मन नहीं माना तो इसलिए हमने अभी 28 को ही विसर्जन कर रहे थे। महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जंबु फल चारु भक्षणं उमासु सो गाइज, अभी टाइम हो गया था इवनिंग के 4:45 एंड गणपति विसर्जन से पहले जो तैयारी होती है बस वही मैं कर रही थी। एंड श्रेयांश के पापा अभी तक नहीं पहुँचे थे, वो 5 या 5:30 तक तो पहुँच ही जाएंगे, उनको मैंने कहा था 5 बजे तक पहुँच जाना, बट 5:30 तक तो पहुँच ही जाएंगे, तो वो आ कर के वो पूजा कर लेंगे, तो उससे पहले मैं प्रेपरेशन कर लेती हूँ। भक्तांची कामना पुरविता महान महान
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया। मंगल मूर्ति मौर्य, जय देव जय देव जय देव। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ तीन बार डुप्ली करानी है पहले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। निकालो बाहर, निकालो बाहर, बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक दूसरी बार फिर से गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। अब रख दो गणपति बप्पा मौर्या। सो गाइस, इसी के साथ ही हमारा गणपति विसर्जन हो चुका था। हमारे जो गणपति बप्पा की मूर्ति थी वो इको फ्रेंडली थी, इसलिए हमने घर पे ही किया। एंड थोड़ी देर में ही मूर्ति अपने ही आप पानी में मेल्ट हो जाएगी। देन उसके बाद किसी गमलों में या बस तुलसी के पौधे को नहीं देना होता, बाकी सब पौधों में दे सकते हैं। तो बस सो गाइस, गणपति जी विसर्जित हो चुके हैं।
तो गणपति विसर्जन के साथ ही इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।